के से मैं बिल्कुल पपराजी मीडिया से एकदम दूर हूँ, बस मैं रोड पे भाग रही हूँ, तुम लोग मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो। आज तो आप लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया यहाँ पे, मैं सेवा करने आई हूँ। पप्पी लहरी जी का जो ब्यूटीफुल यहाँ पे जो इनका सॉन्ग है, जो जो हमारा रेगो, इसमें इन्होंने गाया भी है, इन्होंने इन पे पिक्चराइजेशन भी हुआ है, एम आई राइट? तो इसको हम लोग आज लॉन्च करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बबीता की बेटी भी यहाँ पे है, या रीमा, उनके गोविंद जी यहाँ पे सब लोग हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वीडियो का नाम है सेवा सेवा सेवा। बबीता ने इतनी बॉलीवुड के और लोगों की सेवा की है, तब जाके उनके गले में इतना सारा मेवा आया था, मतलब गोल्ड। सही बोला 100%। हाँ, तो बहुत ही अच्छा है, वीडियो का नाम है सेवा। तो क्या है बताओ, बड़ी सेवा? तो जो गाना है सेवा सेवा, एक बहुत यूनिवर्सल गाना है, एकदम कैची गाना है, बहुत सिंपल गाना है, सिंपल लिरिक्स भी है, लेकिन उस पर आपने म्यूजिक दिया कि बप्पे दादा ने? दादू ने, दादू डेमो करके गए थे गाने का, और अनफॉर्चुनेटली दादू नहीं रहे, उन लोगों के मन में हर समय रहेंगे। दादू हमेशा है, हमेशा है इस गाने में भी है, और हमेशा लेजेंड है वो, लेजेंड है। और मैंने ये गाने पर यंगेस्ट प्लेबैक सिंगर जैसे डेब्यू किया है मैंने, और ऐसे बॉलीवुड में ऐसा नहीं हुआ है कि ग्रैंडफादर के ट्यून पर ग्रैंडसन ने गाया है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और सेवा सेवा ऑलरेडी ट्रेंड पर चला गया है, 4 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया है, अभी तो 50 मिलियन हो जाएंगे। और सर मैम क्या, और जो नहीं, दोनों माल आएगा, दोनों आधा भाई बहन आएंगे बैठ के। नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे आपको पता है, जैसे अभी मैं एयरपोर्ट गई थी तो उलाला उलाला पे डांस किया था, तो बप्पीदा ने क्या गाना किया है, एवरग्रीन है, एवरग्रीन वो जो गाना है ना, उलाला, घर में बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा हर कोई वो गाना गाता है। और इसके बाद अब ये सेवा सेवा हर कोई ये गाना गाएगा, रियली अमेजिंग। देखो आप उनके वन शो, दादा को तो हम कितना मिले हैं, इतना उनके साथ काम किया है बंगाली फिल्म में, मैं यूएस में उनको मिली, दादा को यहाँ मिली, और मैंने फिल्म फेयर भी किया था उनके साथ, शाहरुख जी, मैं, हम लोग सब ने फैमिली हो। हाँ, फैमिली टू अस, और आज से नहीं, बहुत अरसों से शी इज लाइक वन ऑफ अ मेंबर ऑफ द फैमिली, एंड बहुत काम भी किया है दादा के साथ, किया ही है, अभी देखो को आशीर्वाद देने आई है, शी इज ग्रेट एंड वी लव हर, एंड शी इज वन ऑफ अ मोस्ट हैपनिंग पर्सनैलिटी इन आवर इंडस्ट्री एंड इन द इंटरनेट, एंड इट्स वेरी नाइस ऑफ हर, थैंक यू। आप आए इंटरनेट सेंसेशनल, एकदम। तो मैं चाहती हूँ देश की जनता को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सेवा सेवा जो हमारा रेगो का नया सॉन्ग आया है, जिसमें बप्पीदा का म्यूजिक है, कंपोजिंग, लिरिक्स, सब कुछ बप्पीदा का है, तो हमें हमारे लेजेंडों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे आप लता जी को इतना प्यार करते हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े लेजेंड सिंगर इनको प्यार करते हैं, बप्पी दादा को तो आपने हमेशा प्यार किया है, तो आप उनके पोते को भी, ग्रैंड सन को भी इनको आशीर्वाद दें, और इनका गाना सुपर डुपर डुपर हिट हो। मैंने तो अभी अपना जलवा तो दिखाई दिया, हम लोगों ने सेवा सेवा करके सबको मेवा दिखा दिया। गोविंद जी, आपसे मेरा सवाल है, गोविंद जी पहन कर भाई दिख नहीं रहे, मेरे को तो दिख रहे हैं। आज रेगो एंड रॉकी का इतना हमें सेंसेशनल परफॉर्मेंस भी देखा अभी ऑन द सॉन्ग प्रमोटिंग, एंड शी इज गिविंग सो मच ऑफ लव, रॉकी का पहली बार आया लहरी हाउस में, गोविंद जी क्या कहेंगे आप, स्वागत है लहरी हाउस में, बहुत अच्छा लगा हमको आए, राखी जी फैन भी हैं, हम सब राखी जी को देखते हैं, और हमेशा एकदम सभी लोग फैन से राखी जी के, और आज आए तो ये गाना अभी 4-4.5 मिलियन इसके व्यूज हो गए ऑलरेडी, मतलब एकदम ऐसे सारे गामा पे रिलीज हुआ है, और गाना इतना अच्छा बज रहा है कि ऐसे जा रहा है, यू नो, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। 30 अक्टूबर को फिल्म रिलीज है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, सब लोग जरूर देखें एक बार, क्योंकि रीमा और हमारे प्रोड्यूसर साहब इनको मालूम है कि असली मेवा राखी के पास, तो इसीलिए सेवा सेवा सॉन्ग पे राखी को ही बुलाया है, मेवा जी को, जी भी को, मेवा जी को, या नहीं, हमारा दादा, हमारे सिस्टर ने अभी अभी बोला कि राखी आपके साथ एक फिल्म बनाई जा, क्योंकि ये लोग एक साल में 6-7 फिल्में बनाते हैं। अभी एसआरजी फिल्म जो हमारे घूम प्रोडक्शन है जी, बेसिकली हम तुम्हें चाहते हैं ये सब फैमिली जी, दादा का म्यूजिक है, हम दोनों ने प्रोडक्शन हाउस खोला एसआरजी स्वास्तिक रेमा गोविंद फिल्म,
तो इसमें अभी साल में हम दो तीन पिक्चर बनेंगे, तो जरूर हम चाहते हैं कि राखी जी बट मेरी एक शर्त है, वो उलाला उलाला गाने का रिमिक्स मेरे पे दोबारा होना चाहिए जरूर। राजी जी कौन सा करेंगे, करेंगे जरूर, क्योंकि जो उलाला सॉन्ग मैं कर सकती हूँ फिर वो कोई नहीं कर सकता। अरे उलाला एयरपोर्ट में करती हूँ, फ्लाइट में करती हूँ, हर जगह करती हूँ, वॉशरूम छोड़ के। राजी जी कौन सा किरदार, कौन सी भूमिका निभाना चाहेंगी आप फिल्मों में? अभी रीमा जी ने, दीदी जी ने कहा है कि मेरे लिए एक स्पेशल कैरेक्टर लिखा जा रहा है, वुमेन ओरिएंटेड, जिसमें मेरा ही यू नो लीड रोल। हाँ, एंड आई वॉन्ट कि हमारा बच्चा उसमें एक गाना करे मेरे साथ। जरूर जरूर, उसको उलाला करे मिक्स क्या करे, नहीं उलाला इनके साथ मत कराना, ये तो बच्चा है अभी। ये तो हमारा बच्चा है। या यस, आई हैव नो वर्ड्स बिकॉज़ राखी मैम, मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूं मैम का, और हमारे अभी रील्स आने वाले, हम लोग के रील्स अभी आने वाले, और जैसे मैम ने कहा सॉन्ग वायरल हो जाएगा तो सब आप मैम आप लोग का ब्लेसिंग्स है, और बहुत खुश हूँ दैट राखी मैम आज आई है, मेरे रील बनाई है। सबसे पहले हम लोग बिग बॉस में मिले थे बिकॉज सलमान जी के सामने आपने परफॉर्म किया था और मैं अंदर हाउस में थी, मैंने अंदर से आपका परफॉर्मेंस देखा था बिग बॉस में। तो मैं बहुत खुश हूँ, यही बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, आप रील बनाए मेरे साथ और हम लोग के साथ अभी तो बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, लाइक हम सेवा वीडियो अभी रिलीज किया, फिर फिल्म रिलीज हो रही है, हम लोग प्रीमियर में भी आ रहे हैं, धमाका वहाँ पे प्रीमियर में होने वाला है, प्लस मैं फीमेल ओरिएंटेड एक बहुत ही ऐसी स्टोरी, यू नो अभी जो केरला कांड कैसे हुए, यू नो इस टाइप के मैसेज वाले, हम देश को क्या मैसेज दें, गुड मैसेज के लिए सेवा और मेवा तो चलते रहेगा लेकिन मैसेज इज वेरी इम्पोर्टेंट। या तो क्या फिल्म की शुरुआत हो चुकी है? जी जी, राइटिंग की शुरुआत वगैरह हो चुकी है? जी रीमा जी ने शुरुआत कर दी है, तो दोनों चीज के लिए आज सेवा के लिए, इनकी फिल्म के लिए और मेरी फिल्म के लिए, दोनों के लिए हम आज मैं यहाँ आई हूँ, और बस मैं इंतजाम और एकदम प्यार लेकर आई हूँ, एनर्जी के साथ आई हूँ। राखी जी आपकी बायोपिक भी बन रही है, क्या स्टेज पर है और उसमें क्या क्या दिखाया जाएगा? उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ दीदी मेरी सरप्राइज, मैं बोलती दीदी बायोपिक बन रही है आप ही ले लो क्योंकि मेरी बायोपिक के लिए आप वेट कीजिए बहुत। पहला सेवा की बात, हीरो हीरो कौन रहेगा? थैंक यू सो मच। यस यस मैम, नोट देकर वोट लिया, जीता इलेक्शन नेता बना, सबको कुर्सी से गिरा दिया, सीएम की कुर्सी से चिपक गया, सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा, सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा, सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा। इसीलिए इनके गाने को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इतनी सेवा करो, फिर ये मेवा आपको मिलेगा। राखी जी मोदी जी भी यूट्यूब पे आ गए, यूट्यूब का चैनल उन्होंने भी शुरू कर दिया, क्या कहना चाहेंगे आप यूट्यूब के पावर के बारे में? मोदी जी आ गए यूट्यूब पे? जी उन्होंने भी बोला कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बहुत अच्छी बात है, मोदी जी हमारा सबका हाथ है, मैंने आज ही आपका यूट्यूब चैनल मैं सब्सक्राइब करूंगी, आज ही करूंगी मैं। मैं हमेशा मोदी जी के साथ हूँ राखी जी, मैं हमेशा मोदी जी के साथ। राखी जी एक सवाल है मेरा, जैसे कि गाने को लेके इलेक्शन का गाना है, तो क्या 2024 में मोदी जी आएंगे? राहुल जी बहुत बड़े कंटेस्टेंट। देखिए अभी तो मैं यहाँ पे बकुलदा के घर आई हूँ और मुझे यहाँ बहुत शांति मिल रही है, मुझे पता है कि आप लोगों को बीच में है ना आग में घेरा, लेकिन मैं वो नहीं होने दूंगी। नहीं लेकिन आपका क्या है राहुल, वो मैं बाद में बात करूंगी, उसके लिए कल, ऐसे उसके लिए कल। राखी मैडम रेगो को देखने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि बप्पिता हमारे बीच नहीं है, मुझे उनकी झलक, उनका बचपन के बप्पिता, जी जी बिल्कुल बचपन के एकदम, मतलब किड बप्पिता सेम। अगर ये हमारा रेगो बड़ा भी होगा ना, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उनके सेम बप्पिता दिखेंगे, सेम उनका ही वंश है ना भाई, उनके सिस्टर, उनका पूरा, मैं बप्पा को भी जानती हूँ, मेरा तो बहुत पुराना रिलेशन है, बहुत ही बप्पी दादा के साथ तो मैंने बहुत काम किया। बप्पी दादा का कौन सा गाना आपने जो गुनगुनाया, उसके अलावा आपको हमेशा याद रहता है?
आई एम अ डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना, तो झूमो और नाचो और मेरे साथ नाचो गो, आई एम अ डिस्को डांसर। बापा का तो मतलब बप्पेदा जी ने सारे गाने बढ़िया किए, एक से तुमसे मिलकर वो भी तो गाना पुराना गाना जो याद आ रहा है, तेरा तारी रा 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 तेरा तेरा प्यार ओ यार आ रहा है। कसम खुदा की कहती हूँ कि मैं अभी रेगो को देखकर आई फील कि बप्पी दा ही है पूरा। कहा तुम वो तुम कहा गुम अभी जा देंगे ओ यार आ रहा क्या बात है। राखी जी कसम खा के कही है, अभी ये गाना सुनने के बाद किसकी ख्याल आ रही है आपको, किसका प्यार याद आ रहा है आपका? बोल दीजिए आज मुझे सिर्फ बप्पेदा का प्यार ही नजर आ रहा है। बप्पेदा का प्यार हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली है। और बिल्कुल मैं रेगो को देखती हूँ ना, क्योंकि मिले हो ऐसे ही बातें करते थे, ऐसे ऐसे बैठना दादा का बिल्कुल एकदम सेम सेम बिल्कुल सेम। गाना गा दीजिए राखी जी, आप जब रोमांटिक मूड में होती हैं तो कौन सा गाना याद आता है? जवानी जानी मन हसीनी गाना बहुत बहुत बेहतरीन जरिया है अपने ख्याल को। एक आदिल के ऊपर गाना हो जाए, आँखों में तुम बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं सजदा करूं जैसे कहो वैसे जाऊं, जानू मेरी जानू। तो जी एक रोमांटिक सॉन्ग है तो यही जाना जाना। और आप क्या बुलवाना चाहते हैं ये बोल दो फिर, बोल दो फिर, बोल दो आज सारी सर बोल दो, थैंक यू बोल दो यार, देखिए लाखो रंग कौन सा अंग देखो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गाना ये नहीं गाना है, नहीं गाना है ये गाना। उलाला उलाला गा दीजिए, चलो उलाला। काटी है चोरी से काटी है मैं तुझसे रूठी हूँ, मुझे मना लेना हो जाने जा, छेड़ेंगे हम तुझको तुझको लड़की तू है बड़ी बम्बा। उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी, चुनाना 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 अब मैं जमा हो गए। आपके ऊपर इतने आरोप लगते हैं, फिर भी आप बहुत खुश मिजाज रहती है, किसी चीज की परवाह नहीं करती है, लाइफ को बहुत बेहतरीन ढंग से एंजॉय करती है। कई लोग ऐसे हैं कि छोटे से स्ट्रेस से सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? मैं बचपन से बॉलीवुड में आई हूँ, यू नो बहुत मेहनत करी है, बहुत ठोकरें खा के मैं यहाँ तक पहुंची, तो ये आरोप लगाना आरोपियों का काम मैं नहीं सोचती हूँ। मुझे सिर्फ फोकस मैं करती हूँ, मुझे मेरी मम्मी की हमेशा याद आती है, डैडी मम्मी ने एक ही बात कहा था बेटा कि हमेशा आगे ही देखना, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं, जिनको जो कहना कहे, मेरा बॉलीवुड जिंदाबाद है, मेरे बॉलीवुड के लोग जिंदाबाद है, बस मुझे आगे बढ़ना है। मैं मतलब जितनी भी लड़कियां जो हिम्मत खो देती है जिनके साथ ऐसा होता है तो वो ऐसे कदम उठाती है सुसाइड के, बट मैं हर लड़की को कहती हूँ कि हिम्मत उठाना, एक ही जिंदगी है, सुसाइड कर लोगे तो पीछे तो आपके पास फिर दोबारा लाइफ नहीं रहेगी, तो आगे बढ़ना है और आगे जीना है जिंदगी, क्योंकि जीना ही इसी का नाम है, जिंदगी इसी का नाम है। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं,
आपको काम करते रहना है और जनता के दिलों में बैठना है हमेशा। मैं हमेशा जनता के दिलों में बैठी हूँ और बॉलीवुड में एकदम कॉमेडियन बोलो, ट्रेजेडी बोलो, ड्रामा बोलो, कोई भी बोलो, उलाना उलाना तो बहुत बड़ा हूँ मैं, कुछ भी बोलो, मैं हूँ और मैं हूँ। जिनको जो उखाड़ना उखाड़ ले, बाय 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 बाय, प्लीज प्लीज नो राखी।